अरे पर इतने बड़े खिलाड़ी निकले जफर इस्लाम और इनकी पार्टी कि आपको नहीं दिया, लेकिन असल में मुख्यमंत्री का पद तो गया शिवसेना के पास ही, लेकिन बीजेपी के पास भी नहीं आया। शिंदे साहब कहां है? आप बीजेपी के पास नहीं आया, पर जो शिवसेना चाहती थी क्योंकि उन्होंने सही नहीं किया तो इनके साथ इनके पास नहीं आया। शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ, आपके नेता कहते रहे कि मैं शिवसैनिक को मुख्यमंत्री तो बनाना चाहता हूँ, शिंदे जी को विधायक दल का नेता बनाया था, उद्धव जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ ना। ये तो कल की बात है संजय गुप्ता जी और मनीषा जी, कल की बात है, मैं आज की बात तो अभी अभी ये पूरा आज एक तरह एक मिनट थोड़े बजे बोल अटके हुए जफर साहब, आज सारे कोर्ट ने फैसला दे दिया। मनीषा जी एक सेकंड, संजय जी आप वही पर आपकी रिकॉर्ड अटकी, गाड़ी क्या पीछे ही अटकी हुई है दीपक जी, और अब ये हो रहा है कि मैं तुझे मैदान में बताता हूँ कि असल शिवसेना मैं हूँ, असल शरद पवार मैं हूँ, असल एनसीपी मैं हूँ। लड़ाई ये वाली है कि लड़ाई ये है कि महाराष्ट्र में सरकार कौन बनाएगा? बनाने को तो है ही, लेकिन उससे पहले जो एनडीए वाले लोग हैं, महाविकास आघाड़ी वाले, ऐसा लगता है वो आपस में एक दूसरे से ही निपटने के लिए लगे हुए हैं। मैं आपका उदाहरण बताता हूँ, 85 सीटें शिवसेना एनसीपी और शरद पवार जी के एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच बटी। अब कांग्रेस ने 99 कैंडिडेट क्यों घोषित कर दिए, हालांकि अभी भी उनको लगभग 29 कैंडिडेट घोषित करने बाकी हैं, जिस कारण से उन्होंने 14 कैंडिडेट ज्यादा उतार दिए। क्या कांग्रेस ये जताना नहीं चाहती शिवसेना के ऊपर कि मेरे 14 कैंडिडेट आपके ऊपर सुपर इम्पोज हैं, आप अपनी कुछ सीटें कम करो? और झगड़ा तो हो रहा है ना, सोलापुर उत्तर सीट पर संजय राउत ने कहा है कि देखिए अगर यहाँ पर आपका कैंडिडेट उतरा जो कांग्रेस उतार चुकी है तो महाविकास आघाड़ी के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो जो सास बहू और साजिश दिखाई दे रही है वो महाविकास आघाड़ी में ज्यादा दिखाई दे रही है। इसीलिए आप देखिए 85 सीटें उद्धव ठाकरे को उतारनी थी, उन्होंने 2 ज्यादा उतार दिए। शरद पवार अपने कैंडिडेट 85 पूरे कर ही नहीं पा रहे हैं, कल 3 बजे तक जो है नामांकन दाखिल हो सकता है। बाकी अभी जो है वो एनडीए अलायंस के भी, महायुति जिसको हम कह रहे हैं, उसके भी 28 कैंडिडेट बाकी हैं, लेकिन उनमें से किसी ने अपनी पार्टी को जो सीट अलॉट हुई है, जैसे जितनी सीट एकनाथ शिंदे को हुई, जितनी सीट बीजेपी को हुई, जितनी सीट अजीत पवार को हुई, उन्होंने अपनी पार्टी को जो सीटें अलॉटेड है उससे ज्यादा प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो किसकी सिर्फ फुटओवर अभी सार्वजनिक तौर पर ऑन रिकॉर्ड है ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये कौन है? ये महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी, अब इसका जवाब तो आपको देना होगा संजय गुप्ता जी, एक तो 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, 85 सीटों पर बात बन गई थी तो ये ज्यादा सीटें आप काहे आपके साथ ही उतार रहे हैं, किस बात? और वो अजीज खान साहब बैठे हैं कि 12 सीटें मुझे दो मैं जीत कर बताता हूँ, उनको एक को सीट नहीं दे रहे हैं। कमिंग टू यू तहसीन अफदार, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए सीटों पर बंटवारे की बातचीत पे पेज तो बीजेपी के साथ भी फंसा करते थे और ये ठीक उसी तरह से है, और सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो चुकी है। संजय जी आप सवाल काहे नहीं समझते हैं बताइए, मैं आपसे कह रही हूँ कि 85 का फॉर्मूला मैंने थोड़ी निकाला है यहाँ बैठ के, ठीक है वो तो आप लोगों ने निकाला है ना। अब जब निकल गया है, जब लोहे की लकीर खींच दी गई है, तो उससे आगे परे क्यों जा रहे हैं आपके साथ? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो हो रहा है ये सब समीकरण एकदम सही हो जाएंगे और थोड़े बहुत दिनों के अंदर के क्या सीट का कैसे क्या समीकरण रहेगा, क्योंकि उम्मीदवार अभी घोषित किए जा रहे हैं, कुछ सीटें अभी रहती भी हैं, तो क्या सीट का समीकरण रहेगा अभी तो ये अंदाजा है जो आप दे रही हैं, हम कह रहे हैं अब ये फाइनल नहीं है। और सीटों की बात पे मैं आपको बता देता हूं, फाइनल नहीं है और अगर आपके साथी कांग्रेस वाले वापस कैंडिडेट पीछे लेते हैं तो ये कोई अच्छा मैसेज जाएगा? नहीं, देखिए देखा जाएगा कि किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है, हम इस बात की चीज को देखेंगे ना कहां पर किसका उम्मीदवार जीत सकता है, तो इस चीज पर जो समीकरण चल रहा है वो भी अभी फाइनल नहीं हो सकता। नहीं, पर सब तो अलग अलग अपनी हांडी चढ़ा रहे हैं ना, अब आप लोग कह रहे थे हम देंग में खाना पकाएंगे, अब सबकी अलग अलग हांडियां चल रही है, तो कैसे हांडियां नहीं है, कहां है ना, मैं बता तो रही हूं एक करके किस तरह से क्या किया जाए, इस पर अभी समीकरण चल रहे हैं। अच्छा मुझे संजय जी एक सच्ची बात बताइए, एक ही सीट है ठीक है, एक ही सीट पर दो कैंडिडेट अगर उतार दिए आप ही के इंडिया ब्लॉक ने, कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं, वोट नहीं कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं, कुछ कितनी उसी पर तो स्ट्रॉन्ग फाइट है ना, तो आप कैसे निकालेंगे महाराष्ट्र का चुनाव? वो भी देखेंगे, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो जहां सहमति बन गई है वहां ठीक है, जहां नहीं बन पाएगी उसको भी सही तरीके से किया जाएगा ताकि किसी तरह का भेद ना रहे, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी। संजय जी ईमानदारी से बताइए ना, फिर तो आपके लिए दो डबल फाइट है, एक तो अपनों से लड़ो फिर वापस वहां महायुति से लड़ो, दो दो फाइट करेंगे थक नहीं जाएगा? मतलब एक एक घूसा यहाँ चलाएंगे, एक घूसा अंदर चलाएंगे,
दो दो घूसा चल, अरे रेसलर कैसे जीतेगा फिर? कुछ सीटें ऐसी हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो उस सीटों पर हम इस तरह से फुटबॉल नहीं करेंगे और रेसलर की तरह लड़ेंगे नहीं। जफर इस्लाम साहब, आपको लगता है ये इतना आसान होने वाला है या आप ही ये सब काम करा रहे हैं? आपको अंदर की बात बता रहे संजय भाई, आपको अंदर की बात नहीं बता रहे हैं। नाना पटोले और उनके सहयोगी बैठते हैं और साथ में सामने बैठते हैं शरद पवार जी, सामने बैठते हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी। अब ये नाना पटोले एंड कंपनी जो भी है वो इलेक्शन जीत के आने वाले, शरद पवार इलेक्शन जीत के आने वाले, ये दोनों इलेक्शन कभी लड़े ही नहीं, जीत ही नहीं पाएंगे, तो इनको कुछ हवा नहीं, ऐसा उनको अंदर में कहा जाता है भाई आप इलेक्शन कभी लड़े नहीं, आप फिर भी कैसे आप लड़ना हमको चैलेंज कर रहे हैं। तो नाना पटोले ने कहा संजय राउत से तो बात करना नहीं, और इसीलिए संजय राउत दुखी होकर हर दिन सुबह में कमेंट्री देते हैं 9 बजे पर प्रेस के सामने कि अंदर का माहौल क्या है। अंदर का माहौल किसको पता है? संजय राउत को ऐसे पता है कि अंदर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और आज मैं आपको बताता हूँ, जनता समझ चुकी है कि जब इनको पावर मिलेगा तो क्या करेंगे, आपस में रोज लड़ाई झगड़ा होगा, इनको बेदखल किया जाए। आप लोग क्या एक दूसरे के मुंह पर बेदखल किया जाए? जो आप लोगों की टीम जब बैठती है तो क्या आप लोग डिसाइड कर लिया दूसरे से? आप लोग सामने बैठ के गाली, तो आमने सामने बैठ के, हम एक दूसरे से मतलब मुझे ये बताइए, आप लोग जब बैठते हैं एक दूसरे को गाली देते हैं, ये तो बता रहे हैं आप एक दूसरे, आप संजय राउत जी तो पहले भी बोलते रहे हमेशा जब आपके साथ थे गठबंधन में, संजय राउत हम तो चर्चा करते हैं लेकिन आप क्या है जिनके बात करने के बाद चर्चा अच्छा, चलती है? अरे आप तो जब आपके तो, साथ थे तब नहीं बोलते थे क्या? नहीं नहीं, आपको लगता है जब बादशाह वो आपके लिए सबसे खतरनाक, अगर कोई आपका लूज कैनन है तो वही संजय राउत, आपको पता ही नहीं सर कि खतरनाक कौन है और कौन नहीं है, आप जानते ही नहीं, खत्म कर देगा आपको असलियत का पता ही नहीं है। 23 तारीख के बाद हम उस असलियत को ही बताएंगे आपको कि असलियत क्या है जो आप जानते नहीं है। 23 तारीख के बाद संजय राउत से महाराष्ट्र की राजनीति में सीटों पे मत जाइए आप, और आप बड़ा दलाल होगी और आगे भी बन भी जाएंगे ना, वर्ली में ठाकरे भी आ रहेगा महाराष्ट्र का, ये भी हम डिसाइड करेंगे ठाकरे के जो अभी भी हमने डिसाइड किया है। एक शायरी कर रहा हूँ सुनिए, उद्धव ठाकरे के पुत्र भी लड़ हारेंगे, एक शायरी कर रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ, इस्लाम जी के पुत्र वो भी हार जाएंगे, कर दूं आप कहें तो आप सुन लीजिए, अच्छा शेर सुन लीजिए, शायरी कर रहा हूँ आप पर, इसका मतलब आप थोड़ा बहुत तो भी समझ जाएंगे, और आगे का मतलब आप इस 23 तारीख के बाद समझेंगे। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया तुमने, सुनिए बाप, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया तुमने, तुम्हारे मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया हमने, खुद को ही रुसवा किया, हमको ना परेशानी हुई, अपने शिवसैनिक को तुमसे ही मुख्यमंत्री बनवाया हमने, तुम कम मिली कहाँ बिछड़ी हमें कुछ याद नहीं, अच्छा अपनी गुटबाजी में तुमको फसाया हमने। ओहो, इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है संजय जी, ये जो आप ऐसे हाथ हिला हिला के शेरो शायरी कर रहे थे, सदमा लगेगा आपको, औरंगाबाद की एक जो सीट है वहां से आपके, औरंगाबाद सेंट्रल वहां की सीट से आपके कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया है और उन्होंने शिंदे गुट के समर्थन में ये वापस लिया। कोई बात नहीं, औरंगाबाद से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है, उद्धव गुट के उम्मीदवार का चुनाव लड़ने से इनकार, औरंगाबाद सेंट्रल के उम्मीदवार ने नाम वापस लिया और शिवसेना के समर्थन में, कौन सी वाली, शिंदे गुट की शिवसेना के समर्थन में ये नाम वापस ले लिया है। नाम है इस कैंडिडेट का किशन चंद तनवाणी, उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है। मनीषा जी, आपके लिए ये बड़ी खबर, अच्छी खबर, अभी तो चुनाव लड़े भी नहीं है। देखिए देखिए, जो